नमस्कार, मेरा नाम मनीष चांदेकर, नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी पर्यावरण विभाग की ओर से आज एक हमने हास्य व्यंग निदर्शन लिया था और इस निदर्शन का विषय था बोगस स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट और बोगस आईएएस घोटाला। जैसा कि हम देख रहे हैं, पूजा खेड़कर जो दिव्यांगों की मल्टीपल डिसेबिलिटी की सर्टिफिकेट लेकर एक आईएएस अधिकारी बन गई थी, प्रोबेशनरी ऑफिसर वो बन गए थे, आने वाले समय में कलेक्टर बन जाते। हम यही बोलना चाहते हैं आईएएस और यूपीएससी इन घोटालों की जांच ये ठीक तरीके से कर नहीं रहे, उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच ठीक तरीके से नहीं कर रहे। इसका हम ये कहना चाहेंगे कि क्या ये उनके साथ में शामिल है, कुछ खास विशेष लोगों के साथ में शामिल है, वो क्यों जांच नहीं करते? वो अपना जो जिम्मेदारी है उसको जिम्मेदारी को झाड़ते कि ये हमारा काम नहीं है। अगर वो जिम्मेदारी पूर्वक काम नहीं करेंगे तो हमको क्या ऐसे आईएएस मिलेंगे? 140 करोड़ की जनसंख्या वाला है भारत देश, क्या इनके भरोसे रहेगा? ये क्या अधिकारी बन के रॉक झाड़ने के लिए आते हैं? लोगों के लिए एक पालक बन के आना चाहिए, ना कि वो एक अधिकारी और क्रूर अधिकारी के रूप में आना चाहिए। आपकी मांगे जो है वो यही है ना कि हमारी मांगे ये है कि जितने भी स्पोर्ट्स के बेसिस पे सर्टिफिकेट लगा के जो अधिकारी बने, एक तो उनको तत्काल नौकरी से बर्खास्त करें, उनको जितने जल्दी हो सके सलाखों के बीच डालें, उनके ऊपर 420 की FIR दर्ज करें। उसी प्रकार से आईएएस जो घोटाला चल रहा है, हमको तो ये पता चला है कि 80% लोग आईएएस में बोगस और फेक सर्टिफिकेट लेके बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं से उनके जो भी जैक के माध्यम से जो नेक्सस चल रहा है, नेक्सस बहुत बड़ा नेक्सस है, जो स्कैंडल है, स्कैम है, तो हमको इनको उजागर करना है और जो अच्छे बच्चे हैं उनको उस पोस्ट पर बैठना चाहिए। धन्यवाद।